यानी कि मैं काम के साथ मुंडे लै के अंदर भरी सी, मैं वाल कटान गया हाँ अपने बच्चे के, वाल कटान गया हाँ बच्ची भी इन कहती इन भी नाल लाई आ, वापस आए हाँ। मामा छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ गई? मामा फोन में लगे रहते थे। फोन पे लगे रहते ते बीवी भी है। घरदियां सामने ही आ गई, जरा सामने मुंडा सी साडा अनजान सी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजरता पिया ही, कहती ये ना तेरे माँ प्यो ने मेरी बदनामी लाई है, मैं ये विआह करना। कितनी उम्र का मुंडा सी? दो मुंडे सी, लेकिन आया ही कि एक जरा ही ना हौली उम्र का ही, एक मेरी कोई उम्र का है। दो मुंडिया नो एक कारे च एक कमरे च लेके बड़ी सी। तुमने अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए खामोशी से उन बंदों को निकाल दी। हाँ जी, रिश्तेदारों को बहन भाइयों को पता चलेगा तो उसको मजीद गंदा। हाँ जी, मैं रिश्ता बचाना चाहना है कि भाई इन बदनाम करके अपना की फायदा है, बच्ची नाल भी नहीं गल करती। उस तो बाद मैं यकसुदम पता लग गया कि इन्हें तलाका इन्हें घर आई भाई इन्हें ब्याह कर लगे ने। इसके गंदे हुए हैं पाओ। बेटा रात का टाइम है, आपको कोई बुला ले, आपके साथ कोई गलत बात करे तो फिर बर्दाश्त किया अपने घर की क्या इतने बड़े बड़े अल्फाज? ये कोई 70-75 साल 50-60 साल की औरत भी ना बोले जितने उसने तरह अल्फाज बोले हैं। लानत दी मारी जी तो चंगी नहीं फिर मैं क्यों मिलना? लानत दी मारी जो तो चंगी नहीं तो फिर मैं क्यों मिलना है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी ठीक है। कहाँ जा रही हो? खेल रही थी। रात के टाइम डर नहीं लगता? दरख्त है इधर अकेली ना। जूती कहाँ है? जूती दरबार से चुकी गई है। दरबार से उठाई गई है? फिर पाँव में कुछ लग जाए, देखो अभी भी पाँव में दर्द है। ये जरा इसके पाँव पे देखें, इसके गंदे हुए हुए हैं पाँव। बेटा रात का टाइम है, आपको कोई बुला ले, आपके साथ कोई गलत बात करे तो फिर मैं पापा को बताऊंगी। पापा हैं आपके? हाँ जी। कहाँ पे हैं पापा? पापा वो खड़े हैं। पापा वहाँ ठहरे हुए हैं? हाँ जी। मम्मा? मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है। आप नूर फातिमा हो? हाँ जी। आपके तो हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं। हाँ जी। नाज़रीन, ये वो नूर फातिमा है जिसकी हमने स्टोरी की थी और जिसमें हमने बताया था कि ऐसी माँ लानी है जो मुझे प्यार करे, जो मेरे बाबा के साथ लड़े ना। मेरे पापा कहते हैं ना तू ओदे वर्गी होंदी ते ओदे नाल जांदी। दादी की कहती है तेनू? दादी गाला कढ़दी। की कहती है? कि मामा दे भी ताने देंदी होएगी? हाँ जी, कहते तू माँ वर्गी है। दादी कहती है कि इसकी वालदा ने अपने आशना के साथ शादी कर ली, वो उस इससे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि ये जब वालिद आता था तो ये बताती थी कि मम्मा हमारा ख्याल नहीं रखती और सारा दिन मोबाइल पे मसरूफ रहती है। इस वजह से इससे ज़िद की और इसको यहाँ तक के मरवाने के चक्रों में भी थी, इसको काफ़ी इनके ऊपर फायरिंग भी की है और ये वो बच्ची है। अच्छा, हिजाब वगैरह लिया हुआ तो मैं पहचान नहीं सकी, लेकिन अब तो इसकी जूती भी नहीं है। नूर फातिमा, हमने तो आपका ईद का प्रोग्राम किया था, हमने कहा था आप ईद के कपड़े भी लेना, आपकी तो जूती भी नहीं है। पहले तो जूती भी थी, आप जूती भी नहीं है। हाँ जी। पंजाबी आती है आपको? हाँ जी। पंजाबी में बात करो। किधर सोते हो? वहाँ अभी भी वहाँ दाता दरबार सोते हो? हाँ जी। खाते भी हो कि नहीं? खाते हैं, दाता के दरबार बैठ के खाते हैं। खाते हैं। मम्मा की याद आती है? नहीं नहीं। दादी के पास गई हो दोबारा? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस माशे का भयानक चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है और ये बच्ची पार्क में टहल रही थी मैंने इस बच्ची को पहचाना नहीं, सिर्फ मैंने पहचाना है तो इसका नंगे पाँव और बदहाली।
लेकिन ये बदहाली इस माशरे की नहीं, इसकी अपनी पैदा करने वाली ने, इस बच्ची ने बड़ी तल्ख और बड़ी इस हकीकत पे मबनी बात की है। क्या बात की अपनी मम्मा के बारे में? लानत दी मारी जी तो चंगी नहीं, फिर मैं क्यों मिलना? लानत दी मारी जी तो चंगी नहीं, तो फिर मैं क्यों मिलना? अपनी पैदा करने वाली, इसके दिल में इतनी नफरत है। पापा चंगे ने? हाँ जी। पापा प्यार कर देने या पापा भी छिड़का मार? पापा चंगे ने। चंगे ने? हाँ जी। बाप का कह रही है वो अच्छा है, लेकिन इस बच्ची की उम्र कितनी दसी सी? 6 साल 7 साल? 7 साल। 7 साल की बच्ची है, 7 सालों में उसने माशरे का इतना तल्ख चेहरा, इतना सख्तियाँ बर्दाश्त की अपने घर की, क्या इतने बड़े बड़े अल्फाज, ये कोई 70-75 साल 50-60 साल की औरत भी ना बोले जितने वो उसने तल्ख अल्फाज बोले हैं। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी। क्या? मम्मा को लानत पढ़नी चाहिए, मम्मा सारी दुनिया को नफरत होए। सारी दुनिया को नफरत हो? हाँ जी। कोई मैंने जूती ले दे, पेट पार के खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाता? नहीं। जूती भी लेनी है? हाँ जी। ये बड़ी होकर क्या बनेगी? हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसके ऊपर रहमत करे, इसके नसीब अच्छे करे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा दरख्त वैसा साया, जो जिस तरह की माँ ने हरकत की, अल्लाह करे इसके जहन में वो जो असरात हैं वो मिट जाएं और ये अच्छी ज़िंदगी जिए। आप लोगों से इल्तमास है कि अगर आप इस बच्ची की हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए चैनल के नंबर्स पे राब्ता करें, आपकी अमानत इस तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। क्योंकि ये माल, ये सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है, हमने अपनी कब्र नहीं खाली करनी। नंबर इस बच्ची का नहीं है, जिसके पाँव में जूती नहीं है तो वो उनके पास क्या मोबाइल होगा या क्या होगा? आपकी अमानत पहुँचाएँगे बाहिफाजत तरीके से, और इस बच्ची का और इसके वालिद का भी आपको पैगाम ज़रूर सुनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कोई साड़ी मदद कर दे।